मौजूदा वक्त में विराट कोहली भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाजों में से एक हैं। वहीं गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। भले ही दोनों दिग्गज टीम इंडिया में एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि दोनों एक वक्त पर एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे। अब BCCI ने दोनों दुश्मनों को इंटरव्यू में आमने सामने बैठा दिया। BCCI ने सोशल मीडिया के जरिए विराट कोहली और गौतम गंभीर के इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो की शुरुआत विराट कोहली और गौतम गंभीर की वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में खेली हुई पारी के साथ हुई। फिर वीडियो में उस ऐतिहासिक पल को दर्शाया गया जब टीम इंडिया ने 28 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। दोनों इंटरव्यू के दौरान एक दूसरे के साथ बहुत ही नरम दिखे और दोनों का साथ आना इस बात की पुष्टि करता है कि दोनों ने अपनी अपनी पुरानी लड़ाइयों को पीछे छोड़ते हुए दोस्ती की एक बेहतरीन शुरुआत की है। IPL 2023 के दौरान गंभीर और कोहली एक दूसरे से मैदान पर ही भिड़ गए थे। तब गंभीर लखनऊ सुपर जॉइंट्स के मेंटोर थे और विराट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेल रहे थे। इससे पहले भी कई बार गंभीर और कोहली IPL में भिड़ चुके थे। हालांकि गंभीर के टीम इंडिया के हेड कोच बनने के बाद से दोनों के बीच गजब की दोस्ती देखने को मिली है। कोहली ने वीडियो के अंत में कहा, हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं और सभी मसलों को समाप्त कर दिया है। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।